से मिले के आए हो? बैठा बैठा हवा हवा हवा। बाबू लोग धर्मपाल जी का घर पूछत रहे, कोई हमरे गांव आए के औरन के घर चला जाए तो हमरी नाप न कर जाए सरकार। बिल्कुल क्यों जी, खड़े क्यों हो गए? बड़ो, इस गांव में जो भी है, चाहे वो थानेदार हो, तहसीलदार या कलेक्टर, उसे पहले हमारे ही घर आना पड़ता है। उसके रहने सहने खाने पीने का इंतजाम हमारे यहां होता है। अरे सुनो, सावित्री बेटी से बोलो चाय तैयार करें। जी जी, बात यह है, हमें धर्मपाल जी से कुछ काम है। इंसान खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ। इस गांव में जो भी काम हो वो हम ही से होना चाहिए, किसी और से नहीं। जी, लेकिन हम तो कुछ घरेलू काम से आए हैं, उनके लड़के से अपनी बहन की मंगनी की बात करने। क्या इस छोटे से काम के लिए तुम्हें इतनी दूर आना पड़ा? हमें जरा सी खबर कर देते, मंगनी तो क्या, हम बाराती वहां भेजवा देते। माफ कीजिए, हम आपको जानते नहीं थे। नहीं जानते? इंसल्ट। एक्स जिला बोर्ड प्रेसिडेंट, एक्स पंचायती बोर्ड मेंबर, एक्स जिला किसान मजदूर सभा सेक्रेटरी, चंदन नगर के चौधरी बिशन स्वरूप को नहीं जानते? बड़े अचंभे की बात है, सारे जिले में हमारे नाम का डंका बजता है और तुम हमें जानते नहीं। इंसल्ट। तुम्हारा गांव? जी सीतापुर, मैं पीडब्ल्यूडी के ओवरसीयर स्वर्गवासी रामनाथ जी का बेटा हूं। अरे तो ये पहले क्यों नहीं बताया? वो तो हमारे बड़े पुराने मित्र थे। तुम्हारे पिता जब भी इधर आते थे सीधे यहीं आया करते थे। हाँ बेटी, आओ चलिए आओ, ये कोई गैर नहीं है, सीतापुर वाले रामनाथ जी के पुत्र हैं। तुम्हें याद होगा रामनाथ काका तुम्हारे लिए मिठाई लाया करते थे और तुम उनकी गोद से उतरती ही नहीं थी। अरे देखो सरकार, जा जरा धर्मपाल को बुला। ठहरा ठहरा। पर मालिक, उकर लड़कवा के तो सगाई होगा बाबा। सगाई हो गई तो जाने दो, क्या आसपास के गांव में दूसरे लड़के नहीं है? हैं, काहे नहीं मालिक, कईयों हैं। अरे कईयों का? ढेर से है मालिक, एक थे तो वही हो बेलापुर के भगत राम जी के लड़कवा, बी यल यल भी हो। बात रहता रहता, बड़ा तीर मारे हो मालिक, वहां मामला नहीं पटी, उनकर मांग बड़ी ऊंची हो। तो क्या हुआ, हम उनसे निपट लेंगे और फिर मजाल भगत राम की जो हमारी बात टाल जाए। भाई तुम लोग बेफिक्र रहो, ये रिश्ता हम ठीक कर देंगे। पान खाओ। जी नहीं, रहने दीजिए। अरे पान खाने में क्या हर्ज है, इस घर में तो बड़े बड़े अंग्रेजों ने पान खाया, तुम किस खेत की मूली हो? जी बात ये है कि हमारे मास्टर जी ब्रह्मचारी हैं, इनकी प्रतिज्ञा है कि जब तक इनकी शादी नहीं होगी ये पान नहीं खाएंगे। क्या शादी अभी तक नहीं हुई? तुम जैसे खानदानी लड़के की शादी अब तक ना हुई तो तुम्हारे स्वर्गवासी पिता और हमारी दोनों के इंसल्ट। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी सावित्री से किए देते, कर लो ठाट से। जी दरअसल बात यह है, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती मैं नहीं कर सकता। है? क्या तो दिया, तुम्हारे बहन की शादी हम करवा देंगे और जो कुछ रुपए पैसे की जरूरत पड़ेगी वो भी हम दे देंगे। क्यों बड़े साहब, आप क्या कहते हो? अभी हम तो कहते हैं कि हमारे मास्टर जी बड़े किस्मत वाले। अरे हाँ, तुम लोग जरा बैठे रहो, हम उन लोग से बात करके आते हैं अभी। फिर फंसा रहा मुझे? इसमें फंसाने की क्या बात है मास्टर जी, अच्छा खासा मौका है, पहले आपकी शादी हो जाएगी फिर दीदी की। चौधरी जी ने ये भी तो कहा है ना, अगर रुपए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो दे देंगे। उन्होंने सिर्फ कहा ही है ना, किसी मजबूरी से ना दे सके तो हम किस मुंह से घर जाएंगे। देख अब तू यहाँ से भाग निकलने की सोच। क्या मास्टर जी, हर बात बड़ा हर बात क्या है, आप नहीं जानते कितना अच्छा मौका मालूम है, दीदी की शादी होगी और आपकी और देखिए एक पति से दो चिड़िया से पांच होंगे दिन में जब चढ़ाई में मुझे बोलने का पता था, आप जाने के आगे बंद करके शादी करेंगे ना, माँ माँ माता जी भी खुश होंगे, दीदी भी खुश होगी, मैं भी खुश होगा, उसके बाद क्या
खुसर फुसर लगा रखी है। जी 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 यही तमीज सीखी है तुम लोगों ने। जी 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 माफी माफी पे कुछ नहीं। चलो पान खाओ खाओ। अरे देखो सरकार सवेरे पुरोहित जी को बुलवा लेना, लगन निकलवा देंगे। हाँ कुछ नहीं, जाओ आराम करो। अरे सुनो, इन लोगों का खास ख्याल रखना। गोली पराठों को, चल भाग चले यहां से। आप लोग जा सकते हैं। जी हम जा कह रहे हैं, हम तो यूं ही जरा हवा खाने आ गए नीचे। हाँ ऊपर जरा ठंड है ना। हाँ ठंड है ठंड। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जाइए। मैंने आप लोगों की सब बातें सुन ली है। अब पिताजी के पास इस घर के सिवा कुछ नहीं रहा, और ये भी गिरवी है। जो कुछ था वो इसी घर की शान और शौकत पर खर्च हो गया। दिल वही है पर दौलत नहीं रही, इसी कारण तो अब तक मेरा ब्याह नहीं हुआ। इससे पहले कितने ही लोग मुझे देखने आए पर वापस चले गए। अब आप ही सोचिए, जो अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर सके वो आपकी बहन का ब्याह कैसे करवाएंगे। ये लीजिए पराठे, आप लोगों को बहुत दूर जाना है ना। मेरी मानिए, पिताजी के जागने से पहले ही चले जाइए। अगर हम ना जाएं तो पिताजी आ जाएंगे और फिर क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? अजी आप दोनों की शादी कर देंगे। तो करने दो, आपको कोई एतराज? जी जी जी। लेकिन मास्टर जी आपकी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? वो अटल है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस महान कार्य में इनका सहयोग जरूर मिलेगा। देखिए, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती, मैं और आप जैसे नदी के दो किनारे। मंजूर है ना? जी जी। Thank you.
राम श्री राम शरणम भव श्री राम राम शरणम भव श्री राम शरणम भव श्री राम राम शरणम भव श्री राम राम। क्यों रामू सच सच बता, मैं कथा अच्छी बाजता हूं ना? ये भी कोई पूछने की बात है मालिक? तो फिर लोग मेरी कथा सुनने क्यों नहीं आते? शायद उन्हें अच्छी नहीं लगती होगी। ये भी कोई पूछने की बात है मालिक? चुप गधा कहीं का, हर बात कहेगी जवाब? ये तो मैं ही बेवकूफ हूं जो हर वक्त उससे पूछता रहता हूं। क्यों ये भी कोई पूछने की बात? हमारे चौधरी चौधरी विशन स्वरूप जी आवत है। चौधरी विशन स्वरूप जी? राम राम। आइए पधारिए चौधरी जी, पधारिए। क्या इलेक्शन की दौड़ धूप अभी से शुरू कर दी है? अजी नहीं, वो तो उन लोगों ने घेर लिया रास्ते में अपने अपने काम के लिए, वरना हम तो आप ही के पास आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर कथा सुनिए। अजी ठहरिए, कथा कहाँ भागी जाती है, पहले काम की बातें कर। अजी काम कहाँ भागा जाता है, पहले कथा ही सुन लीजिए। वाह वाह, बहुत अच्छा लड़का है, कौन है ये? हाँ अपना ही समझिए, बड़ा उस्ताद है। अजी मैं किस लायक हूँ? हाँ तो भगत राम जी, अपने लड़के की शादी के बारे में कुछ सोचा आपने? अजी हमारे सोचने से क्या होता है, राम की इच्छा हो तब ना। फिर भी कोई लड़की है आपकी नजर में? और तो कोई नहीं, मेरी जवाई की बहन है, बड़ी सुशील है, काम काज में भी होशियार है। अब रह गई देखने दिखाने की बात, तो वो अजी और देखना दिखाना क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी अच्छे घराने में रिश्ता हो जाए। क्या मतलब, क्या हमने अपनी बेटी किसी ऐसे वैसे घटिया घराने में दी है? इंसल्ट छबीले। नहीं नहीं चौधरी जी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। क्या मतलब है? बैठिए बैठिए बैठे बैठे, बात यह है, आप तो जानते ही हैं मेरा बेटा वकील है, शहर में वकालत करता है। तो दहेज चाहिए? राम 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 राम, कैसी बात करते हैं आप भी, क्या राजा दशरथ ने राजा जनक से दहेज मांगा था? नहीं ना, मगर उन्हें मिला फिर भी सब कुछ। कहने वाले कह गए हैं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी। बस, तो आप हमसे कुछ ना मांगे, हम आपको मोती दे देंगे। मगर एक बात है चौधरी जी, बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि मैं अपने बेटे के लिए शहर में एक बंगला बनवा दूं। कब तक भाड़े की कोठड़ी में खाद डाले पड़ा रहेगा? जी हाँ जरूर बनवाइए। कितने में काम चल जाएगा? 30,000 में? अजी काम का क्या है, वो तो चलता ही रहता है। आप तो जानते ही हैं, शहर में उसके बड़े बड़े दोस्त, जज वकील बैरिस्टर। 50,000 कर लीजिए आप। भाई भगत राम जी रुपया क्या है, आज इसके घर कल उसके घर, वैसे बंगला तो शादी के बाद बनवा लेना। हाँ, लेकिन रुपया लगन के समय ही मिल जाए तो अच्छा। और हाँ देख लीजिएगा, बाकी रस्मों में भी कोई कमी न रह जाए, आखिर हम सब भले लोग हैं। इसीलिए एक दूसरे को चकमा नहीं देना चाहिए। अहमद कहेगा, अरे अगर हम भगत राम जी को चकमा देना भी चाहें तो ये हमारे चकमे में थोड़ी आने वाले हैं। ये तो सच है, आज तक तो ये भगत राम किसी के चकमे में नहीं आया। और हमें पूरा यकीन है कि आप आगे भी किसी के चकमे में नहीं आएंगे। अच्छा तो फिर हम चलते हैं, आप पुरोहित बुलवाकर लगन निकलवा लीजिएगा। मैंने दहेज का मांगा उन लोगों से? बात एक ही है पिताजी, दहेज न मांगा, रुपया मांग लिया बंगला बनवाने के लिए। हाँ हाँ, तो क्या बुरा किया मैंने? तू चुप रह, ये सब बातें तू नहीं समझ सकता। पिताजी आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वकील बनाया, फिर भी आप समझते हैं कि मैं ना समझूं। देखिए वक्त के साथ साथ दस्तूर भी बदल जाते हैं, आजकल शादी से पहले लड़के और लड़की का एक दूसरे को समझ लेना बहुत जरूरी है। क्यों रे रामू, जो मैंने कहा ठीक है ना? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है मालिक।
पिताजी आप मेरी बात सुनिए और कुछ दिनों के लिए रुक जाइए। मैं बहुत जल्द अपने लिए कोई लड़की देख लूंगा और आपको बता दूंगा। अब आप उन लोगों को खबर कर दीजिए कि वो कोई और रिश्ता देखे। क्या तू ये चाहता है कि मैं अपनी जबान से फिर जाऊं, अपना वचन तोड़ दूं? हे भगवान, देखा तुमने कैसा जमाना आ गया है। बेटा बाप से कहे कि अपना वचन तोड़ दो, और एक वो जमाना था जब रामचंद्र जी ने अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए 14-14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। राम 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 राम। रामो ले, अब तू ही अपने मालिक का खाना बना और सुखी रहे। और देख, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं 15 दिन का उपवास करूंगा प्रायश्चित के लिए। पिताजी, अगर आप समझते हैं ये रिश्ता मेरे लिए मुनासिब है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब उठिए भी मालिक, छोटे मालिक के भोजन में देर हो रही है। भगवान जाने कल से क्या खाया होगा इन्होंने सफर में। ये मटर और पालक भी राह देख रहे हैं। कोई महान पुरुष है, नहीं तो बिना कुछ दिए आजकल कौन किसी की बेटी को अपनी बहू बनाता है। क्या कह रहे हैं आप, इन्होंने तो हमें 50,000 रुपया देने का वादा किया है। 50,000 रुपए? अजी, इनके पास तो 50 फूटी कौड़ियां नहीं है देने के लिए। ये बात है तो अभी फैसला। नहीं नहीं, इतनी जल्दी क्या है, जरा फेरे पर जान दीजिए। फेरे पर जाने दीजिए। क्यों जी, अपने उन रुपयों का क्या हुआ? होना क्या है, दे देंगे, समय तो आने दीजिए। ठीक है ठीक है, मगर वो जरा पहले मिल जाए तो अच्छा है। ये क्या बात है, हर काम का एक तरीका होता है, क्या आपको हम पर इतना भरोसा नहीं? इंसान नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो रकम जरा एक बार दिखा तो दीजिए, भले ही दीजिएगा बाद में। अच्छा, हम अभी आते हैं। पूरे 50,000 का है, रुपए का इंतजाम अभी नहीं हो सका लेकिन 10 दिन हो जाएंगे। वाह, अच्छी शराफत है आपकी, पुर नोट लिख कर ले आए। क्या करो इसे लेकर, पुड़िया बनाओ इसकी। अरे बेटा श्याम, उठ यहाँ से, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, सोचा होगा कि हम धोखे में आ जाएंगे। चल चल, उठ। अजी जाइए जाइए, बहुत देखे आप जैसे। हमने आपको धोखा नहीं दिया है, सिर्फ 10 दिन की मोहलत दीजिए, हम पाई पाई चुका देंगे।
पाई पाई चुका देंगे, धोखेबाज कहेंगे। अगर पहले से मालूम होता कि ऐसे लोग हैं तो मैं अपने घर में पाई भी न रखने देंगे। अरे तू अभी तक यहीं बैठा है, चलो उठ यहां से। पिताजी शांति से काम कीजिए, जल्दी ना कीजिए, जरा सोचिए। तुम अब मुझे कुछ सोचना नहीं है, सोच लिया मैंने, चल। नहीं पहुंचे होंगे, जरा उन्हें दम तो लेने दो फिर देखना। बेटी जरा इधर आना। अच्छा बेटी हम जा रहे हैं, शोभा भी बच्ची है, इस सदमे से कहीं घबराना जाए तो उसका ख्याल रखना। हम भगत राम से मिलकर साहब ठीक कर देंगे। अब क्या ठीक हो सकता है पिताजी? क्यों नहीं ठीक हो सकता है, अरे उन्हें रुपया ही चाहिए ना, और कुछ नहीं तो हम अपना मकान बेच के दे देंगे, तो चिंता मत कर। वकालत संभाल, नहीं तो मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। पिताजी जरा ठंडे दिल से सोचिए, आखिर उन लोगों ने कौन सा ऐसा अपराध किया है? कहते तो हैं कि 10 दिन में रुपया दे देंगे। रुपया तो क्या, वो अगर हीरे मोती लेकर भी आए तो भी इस घर में पाव रखने नहीं दूंगा। मुझे झांसा देने चले थे, मैं उन लोगों के झांसे में आने वाला नहीं हूं। रुपया परखे बार बार, आदमी परखे एक बार।
अरे तू यहाँ क्यों आया है? दादा अब हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। क्षमा कीजिएगा, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ससुर जी ने आपसे क्या बात की हमें तो मालूम ही नहीं। हमारे पास जो कुछ है बस यही है। स्वीकार कीजिए और मेरी बहन को अपने घर में जगह दे दीजिए। लाया है बड़े गहने, कहता है बहन को जगह दीजिए। जा जाओ, अब हमारा तुम्हारा क्या नाता? जो कुछ था वो तो ब्याह के पंडाल में ही टूट गया। जा जाओ, अब हमें ना तुम्हारे ये गहने चाहिए और ना तुम्हारी बहन। अब हम तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहते। चीजा जी हमें बचा लीजिए, दो दिन से किसी ने घर में पानी तक नहीं पिया। अगर आपने देना की तो मेरी बहन अपनी जान दे देगी। मैं आपके पांव पड़ता हूं, उसे बचा लीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? अरे जाजा, तेरा ये नाटक यहां नहीं चलेगा। पिताजी आ गए। बाप और बेटे में फूट डालना चाहता, तेरी दाल यहां नहीं गलने की। जा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। मैं शहर जा रहा हूं, 4 बजे की गाड़ी से। 4 बजे देखा राम, मेरे बेटे को ही जुल देना चाहता था। ये नहीं जानता मेरा बेटा वकील है। वकील पागल है मालिक। ले अचार संभाल कर रख, अपने छोटे मालिक को खिलाना, कहीं तू तो नहीं चढ़ जाएगा। ये भी कोई पूछने की बात है मालिक? क्या आ गए? तुम्हारे गांव जाने वाली बस कब निकलती है? 4:30 बजे जीजा जी। रामू तू मेरा सामान लेकर शहर पहुंच जाना, और देख ये रही घर की चाबी है। ध्यान रखना ये बात पिताजी तक ना पहुंचने पाए कि मैं वहां गया हूं। समझ गया ना? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है मालिक। पर एक बात मेरी भी, बहुरानी को जरूर साथ लाना। अगर ना लाया तो? नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगा। चल चल, तेरी ट्रेन जाने वाली है। चलो जी, बस का टाइम हो गया। जीजा जी आप यहीं ठहरिए, मैं गांव से गाड़ी लाता हूं। नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे। और देखो राजू, तुम तो जानते ही हो मैं किन हालात में यहां आया हूं। पिताजी अब तक गुस्से में हैं, मगर कोई मौका देखकर मैं उन्हें समझा दूंगा। तब तक ख्याल रहे, गांव में किसी को पता ना चले मैं यहां आया हूं। जी। और देखो ये बात अपने घर वालों को भी समझा देना। समझ गया। और सुनो, जीजा जी वो हमारे घर का पिछवाड़ा है, आप वहीं इंतजार कीजिए।
सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। आंसू क्यों? मैं तो आ गया हूं। फिर छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, अब से जहां मैं वहीं तुम। और क्या कहूं, इस तरह तो सदियां बीत जाएंगी कहते कहते। बस इतना समझ लो, ये उम्र बहुत छोटी है और ये रात उससे भी छोटी है। माँ, हमें भी आशीर्वाद दो। सुखी रहो दोनों, पर बात क्या है? माँ, हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दीदी का ब्याह न हो जाए हम लोग ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। क्या बेटा, तुझे अपनी बहन से कितना प्यार है रे, वही तुझे न समझ सकी। हे त्रिलोकीनाथ, देख रहे हो ना मेरी अखन, डालो इस पर मिट्टी, डालो इस पर। अच्छा माँ, अब तू क्या कर रहा है? सोचा सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? तेरे कौन कहेगा? क्या बात है बहन, आज बड़े पकवान बन रहे हैं। कोई मेहमान आया है क्या? ना बहन, बच्चे बहुत दिन से तंग कर रहे थे, हलवा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, सोचा कब तक इनका मन मार कर रखूं। हाँ बहन, कोई कब तक अपने दुर्भाग्य को रो, नहीं तो आज दशहरे के दिन कितनी खुशी होती। दामाद घर आता उसके लिए चाव से पकवान बनते। मैं ये पूछने आया बहन कि शोभा बिटिया का क्या किया जाए, कब तक यूं घर में बिठाए रखेंगे? तो ऐसे करो ना गोविंद चाचा, इस बार कोई अच्छा शहर का ढूंढ दो, दीदी का ब्याह फिर से कर देंगे, और साथ ही एक अच्छी सी छबीली ढूंढ दो। इस छबीले के लिए बेचारा कब तक अकेला रहेगा? चुप,
बदमाश कहीं कहा। देखा पार्वती, मैं कितनी जरूरी बातें कर रहा हूँ और इसको मजाक सूझा है। हाँ तो मैं कह रहा था शोभा के बारे में कि लड़की के खर्चे का मुकदमा कर दो उन लोगों पर, अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। कैसी बातें करते हो भैया, हम मुकदमा करने से कहीं घर बसते हैं? हमने खर्चा लेने के लिए थोड़ी उन्हें अपनी बेटी दी थी। ये क्या शरारत? नहीं नहीं बहन, मैं ये पूछता हूँ कि हमारी लड़की ससुराल भी ना रहे, खर्चा भी ना पाए, तो आखिर शादी किस लिए की? इसलिए कि कचहरी के चक्कर काटे जाए। हाँ माँ, माँ तुम इस चुगलखोर को घर में आने ही क्यों देती हो? इसी जल कुकड़े ने तो दीदी की शादी बिगाड़ी थी। जाने दे बेटा, जाने दे। देख लिया पार्वती, मैंने शोभा की शादी बिगाड़ी थी? कहो तो गौ माता की पूछ पकड़ के कसम खा लूंगा। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसा बेशरम तो जितनी कहो कसमें खा ले। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। देखा राजू, मैंने क्या कहा था, अब यहां रहना मुश्किल है। हम आज ही चले जाएंगे। आज ही? हाँ, और अकेले नहीं। बेटा आज दशहरा है, भला त्योहार के दिन कोई अपना घर छोड़ता है? ओहो माँ, अब ये सब रहने भी दो और जैसे जीजा जी कहते वैसा ही करो ना। लो अब कोई और आ गया टो लेने वाला। अच्छी बात है बेटा, तो इनके जाने की तैयारी कर। अच्छा जा जल्दी। संभालो अपना अपना काम करो।
सुनो गांव वालों, ए सुनो गांव वालों। शादी होगा साहब का शादी होगा, जो पूछेगा वो पछताएगा, जो नहीं पूछेगा वो भी पछताएगा। इसके मन की बात ओ बोल भोलेनाथ, बतला इसके मन की बात, बतला इसके मन की बात, कैसी है ये बुढ़िया। ये तो है आफत की बुढ़िया, शाम सवेरे मंदिर ये जाती है। अरे क्यों जाती है ये मंदिर से जूतियां चुराती है। चाची का सुना हाल, ये बात हुई थी पिछले साल, सारी बस्ती सोते सोते जाग गई थी। क्यों जाग गई थी इसकी लड़की?
आला रे आला जरा मन की संभाल बिजुबाला रामू क्या बात है कुछ नहीं छोटे मालिक बीवी जी आप नहा धो लीजिए तब तक मैं खाना बनाता हूँ नहीं खाना मैं बनाऊंगी मर्दों के हाथ की रसोई भला किसे अच्छी लगेगी हाँ रामू आज से खाना तेरी बीवी जी पकाएंगी तू जाकर राजू और छवि की स्नान की जगह कहाँ है चलिए श्रीमती जी चलकर अपना होम डिपार्टमेंट देख लीजिए चलिए आप कैसे आ गए मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था पर हुआ नहीं यही तो बताने आया हूँ दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता जब तक कि ये नॉब ना घुमाया जाए यूं अच्छा अच्छा मालूम हो गया अब आप जाइए पर जाऊं कैसे अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है जैसे ये बटन दबाने से गर्म पानी शुरू हो जाता है वो रहा ठंडे पानी का नल जी समझ गई आप जाइए भी ओ, ओ, अभी तो मैंने बताया तक नहीं कि फवारा कैसे खुलता है वो तो बता दो कोई जरूरत नहीं आप जाइए छोटे मालिक लॉन्ड्री जा रहा हूँ कपड़े लेने पैसे दीजिए जी करता है इस रामू के बच्चे को शूट कर दूं अरे रामू सुन इन लोगों को चिड़ियाघर दिखाने के बाद म्यूजिक जी समझ गया फिर उसके बाद गांधी मैदान फिर उसके बाद सर्कस आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हो सकता है रात के 12 बज जाए अरे बाप रे तब तो मैं नहीं जाता अबे चल बुज्जू कहीं का कभी कुछ समझता ही नहीं हमें शादी करता है चल वस्त्र के होते हैं सामान बड़ी मुश्किल से मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से श्याम साहब आज हो श्याम साहब जरा बाहर तो आइए मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से अरे कितनी उशीर तू बाहर है तो उसका मैं अंदर आऊं नहीं नहीं मिस्टर पेंडारकर मैं खुद आ रहा हूं मिस्टर पेंडारकर आज नहीं दो दिन के बाद आऊंगा मंडे को घर में कुछ खास मेहमान आए हुए हैं अरे बाबा तू अपने खास मेहमान लगे हूं चलना तुम अपना काम करना हम तुम्हारे मेहमान को घुमाएगा फिराएगा खिलाएगा जो ब्रांड वो मांगे तो पिलाएगा बस नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता आप मेरी हालत बिल्कुल नहीं समझते इस वक्त मेरे दिमाग में कैसी हलचल मची हुई मिस्टर खाडिलकर व्हाट खाडिलकर मिस्टर घाणेकर घाणेकर अपना शिवराम पेंडारकर का नाम ही भूल गए तुम ओ वेरी 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 सॉरी मिस्टर पेंडारकर कहा ना मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ा है जज के सामने गया तो न जाने क्या उठपटांग बकने लगूंगा फिर भी अगर आप कहते हैं चलने को तो चलने को तैयार ना बाबा ना तुम आराम करो अपने मेहमान के साथ मजा करो सोमवारी मात्र आयो विसरू नको सोमवारी मात्र आयो विसरू नको सोमवारी विसरू नको यायला मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से बात बनती है मेरी जान बड़ी मुश्किल से कि कोटी न मन भक्त राज भक्तों के राजा अधिराज मेरे है धन्य भाग दर्शन भय देवा कि कलिके का लापहरण तीखन संतापहरण तापहरण पापहरण तारक तरैया हो आओ भाई आओ बैठो ठीक समय पर आए हो सीता हरण का प्रसंग चल रहा है ठहरिए ठहरिए अजी अपनी इस रामायण को बंद कीजिए और हमारे गांव की रामायण सुनिए कोई नई बात है क्या बिल्कुल नहीं आपकी बहू किसी रावण के साथ भाग गई है ये बात है चलो अच्छा हुआ हम तो बच गए अजी बचे कहां हो गर्दन तो अब फंसी है
पार्वती अपनी बेटी की परवरिश का मुकदमा करने जा रही है। हैं? ऊपर से मुकदमा भी? करने दो, मैं ऐसी गिदड़ भपकी से नहीं डरता। देखो गोविंद जी, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो मुझे बताओ, मैं अभी अपने लड़के की शादी कर दूंगा। अजी इधर उधर ढूंढने की क्या जरूरत है, वैसे ज्यादा रुपया तो मैं नहीं दे सकूंगा, मगर हाँ आपका सेवक आपके मुकदमे वगैरह सब मुफ्त में देख लेगा। मेरी बेटी को बहू बना लीजिए। क्या फिर तुम्हारे गांव में रिश्ता? ना बाबा ना, अब तो उस गांव की तरफ मैं पैर फैलाकर सोता भी नहीं। अजी ऐसा कहने से कैसे काम चलेगा, कल को मुकदमा हो गया तो उस गांव के गवाहों को तोड़ने के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मेरा लड़का वकील है, वो खुद ही निपट लेगा सब कुछ, तुम जाओ। जैसी आपकी मर्जी। अरे 11:30 बज गए, चलिए भोजन के लिए उठेंगे। मेरा भोजन वोजन हो गया, अब तुम जाओ यहां से। अरे बुधवा जरा कलम दबा था, शाम को खत लिखना है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। अरे सत्यानाश तेरा, तू यहाँ इस चमगादड़ का तमाशा देख रही है और वहाँ लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। हाँ? फिर आ रहे हैं? देखो चाची मैं सीधा आदमी नहीं हूँ। हाँ अरे हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। अरे वो बालम, देखता हूँ कौन माई का लाल आता है मेरी बसंती को देखने, उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। बसंती मेरी है। हाँ अरे जा जा, तेरी के नाल गड़ी है इस पर। हाँ जब ये पैदा हुई थी तभी चढ़ा था इस पर मेरे नाम, तुम ही ने तो वचन दिया था मेरी माँ को। हाँ हाँ वचन दिया था, तू जैसा बाका सजीला दामाद नहीं मिलता ना मुझे, पहाड़ी कौवा कहीं का। अरे चल रही मुर्दार बसंती। अरे चल बाला। बसंती, बसंती। क्या छबीले, क्या हो रहा है? जीजा जी आपके लिए चिट्ठी। अभी तू कहां जा रहा है, पागल कहीं का समझता नहीं, चल बैठ। ये क्या है? वही जिसके लिए मैं कोर्ट से भागा भागा आया। ये भी अच्छे रहे, आपकी चिट्ठी आई है। चलिए चलिए चलिए, ला राजू चिट्ठी ला। पिताजी की। देखा राजू, जो मैंने कहा था वही हुआ ना आखिर, ये सारी करतूत उस बदमाश गोविंद की है। क्या लिखा जीजा जी? चिरंजीव श्याम अनेक आशीर्वाद, सीतापुर के संबंधियों के बारे में मेरा शक ठीक निकला, सुनने में आया है वे तुम्हारी बहू किसी के साथ भाग गई। किसी के साथ? क्या जीजा जी के साथ? अबे तू चुप रह, ऊपर से वो लोग हम पे लड़की के खर्चे का मुकदमा भी करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं। यही बात करने मैं तुम्हारे पास 4 तारीख को पहुंच रहा हूं, तुम्हारा पिता। 4 तारीख तो आज ही है, अब क्या होगा? जीजा जी हम दीदी को लेकर वापस गांव चले जाएं? नहीं भाई नहीं, अगर तुम लोग चले गए तो मेरी और भी मुसीबत, पिताजी आते ही सर पर सवार हो जाएंगे कि करो दूसरी शादी, इसलिए ऐसी कोई तरकीब सोचें जिससे फिलहाल ये बात टल जाए, मैं बाद में मौका देकर पिताजी को समझा दूंगा। नहीं नहीं मुझे तो डर लगता है। बीबी जी डरिए नहीं, हमारे छोटे मालिक वकील हैं, इनका दिमाग तो जादू का पिटारा है पिटारा। तो सुनो हम सब मिलकर एक नाटक खेलें। नाटक? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी की बीवी सचमुच घर से भाग जाए तो उसका क्या हाल होगा? इज्जत चली जाएगी, नाक कट जाएगी। अरे इज्जत और नाक तो क्या, उस बेचारे का दिमाग ही चल जाएगा। यानी कि पागल? बिल्कुल पागल। और आ जाओ मैं बताता हूँ क्या करना है। अब बताओ।
क्यों रे, तेरे छोटे मालिक कचहरी से लौट आए? आहिस्ता बोलिए, छोटे मालिक का दिमाग फिर गया। हाँ, नर्स भाई दिन रात उनके पीछे लगी है, न ये सोते न वो। श्री राम श्री राम श्री राम। पिलो पिलो, नहीं दवा पिलो, नहीं नहीं बेटा, श्याम बेटा दवा पिलो। क्या हो गया बेटा? गई मेरी इज्जत, गई मेरी आबरू, गई बेटा। उर्वशी में इनका रंभा, मेरी इज्जत वापस दे दे। गई गई गई। नहीं नहीं, कहीं नहीं गई। ये रही तुम्हारी आबरू और ये रही तुम्हारी इज्जत। यस योर ऑनर, ये रही मेरी इज्जत, ये रही मेरी आबरू। जा जा ले जा ले जा। नहीं नहीं बेटा, अपनी इज्जत कहीं नहीं गई बेटा। तू दो चार दिन ठहर जा, मैं कोई चांद सी लड़की देखकर तेरी दूसरी शादी कर दूंगा। शादी? हाँ, दूसरी शादी, शादी के बाद शादी। बजाओ बहन बाजा बजाओ, सेरा बांधो, मंगलाचार गाओ गाओ। शादी ओम नमः शिवाय, ओम शाया नमः। शादी शादी। शादी लगा लगा लगा। शादी शादी। डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरे बेटे को? डॉक्टर साहब जी 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 जी। बो 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 बोल। चंदर इंदर बंदर बोल बोल बोल। चंदर बोल कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। बोल, 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 जी, बोल। ये कोई इतना बड़ा बीमारी नहीं है। सिटी में मोटर बस का बूम बूम से इसका दिमाग थोड़ा उलट पुलट हो गया है। देखो तुम ऐसा करो, इसको दार्जिलिंग भेज दो अकेला। अब दवाई देगा और साथ में देखभाल के लिए नर्स को देगा। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं भी साथ जाऊंगा। डॉक्टर तुम कहा का डॉक्टर? कैसा डॉक्टर? डिग्री है तुम्हारे पास? किसने बनाया तुमको डॉक्टर? जाओ दार्जिलिंग जाओ बेटा, भी जाओ ना पागल खाना। अरे बेटा लेकिन मेरी बात तो जाओ दार्जिलिंग जाओ, पागल खाना। अरे बेटा जाओ दार्जिलिंग जाओ, दार्जिलिंग जाओ। वो तो दार्जिलिंग के नाम से ही भड़क उठा डॉक्टर साहब। ऐसा करता हूँ, उसे अपने गांव ले जाता हूँ, वहाँ का भी हवा पानी बहुत अच्छा है। आप लोग भी चलिए मेरे साथ। क्या आपका साथ? मर जाएगा। मर जाएगा? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अरे बाबा हम तुम्हारे साथ जाएगा तो हमारा इधर का प्रैक्टिस चौपट हो जाएगा। एक वाइफ, एक ब्रदर, एक सिस्टर, एक मदर, एक मास्टर, यानी पांच जान को खतरा। हमारे हाथ से पांच केस जाएगा। हम उन पांचों की फीस दे देंगे डॉक्टर साहब। नहीं नहीं पैसे का बात नहीं, हम सब बोलते हैं तुम्हारे बेटे को कोई बीमारी नहीं, तुम उसको ले जाओ। आप तो ठीक बोलते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा कीजिए नर्स भाई को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं? हाँ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, नर्स भाई नहीं जाने को सकता। लेकिन अभी तो आप दार्जिलिंग जाने के लिए कह रहे थे। नहीं नहीं वो बात दूसरा है। दूसरी? मैं आपके साथ गाँव नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं करो बेटी, ऐसा नहीं करो। मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी मुट्ठी में है बेटी, उसकी जान बचा लो बेटी। अगर तुमने उसका साथ छोड़ दिया तो उसका क्या होगा बेटी? बाजो बाजो मैं चला ससुराल चला, रंबा मेड़का रोको रोको ब्रेक। मैं ससुराल चला चला चला, रोको मैं चला। बिना लाइट के साइकिल चलाता है, तुमको गिरफ्तार किया। दवा चलो पियो, दवा पी ले बेटा। चलो हवालात चलो चलो, हवाला चलो, रंबा मेड़का उर्वशी चलो चला। देखा डॉक्टर साहब, मेरा बेटा नर्स भाई की बात कैसे मानता है। कुछ भी हो अब तो आपको नर्स भाई को भेजना ही पड़ेगा। जी जी, अब हम कहीं भी रहें वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बेहतरी इसी में है कि उनके साथ गांव ही चले जाएं। जी नहीं, मुझे तो डर लगता है, जाने क्या हो। उसमें डरने की कौन सी बात है, ये तो बहुत अच्छा मौका है। पिताजी के नजदीक रहोगी तो उनके दिल में घर कर लोगी। नर्स भाई, नर्स भाई, नर्स भाई, डॉक्टर साहब मान गए। मैं अभी मोटर मंगवाता हूँ, हम सब चलते हैं स्टेशन। यस सर ऑनर। चलो 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 चलो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, बैठो 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 बैठो। एक लेना लेना, चलो हैंडल मारो, हैंडल मारो। अरे रामू, ओ रामू कहाँ मर गया? पूजा के फूल कहाँ है? मुझे मंदिर जाने को देर हो रही है। ये लीजिए। तुम ले आई नर्स? जी
मुझसे कुछ भूल हुई है? नहीं नहीं, भूल कैसी? एक तो मेरे बेटे की इतनी देखभाल करती हो, ऊपर से मेरी भी सेवा। ये तो मेरा धर्म है। अरे ये क्या करती हो? आप मेरे पिता समान है ना? नाज़! नाज़! देखो बेटी, वो फिर चिल्लाने लगा। जाओ बेटी जाओ, देखो उसे क्या चाहिए। रुक क्यों गई? जाओ जाओ जाओ, मंदिर में चली जाओ। नाराज हो गए? नहीं नहीं नहीं, बहुत प्यार आ गया है आप। बोलकर गई, अभी आती है और अब तक आ ही रही है। सब्र मेरे देवता, जरा सब्र। जब तक मैं यहाँ हूँ, मुझे घर की भी तो कुछ देखभाल करनी चाहिए। हाँ करो करो, चूल्हा चक्की देखो, बर्तन भांडा मांजो, कपड़े धो, झाड़ू लगाओ। योर लॉर्डशिप, यू हैव गिवन मी द मोस्ट अनरोमांटिक वाइफ। ऐसी बीवी मिली जो मोहब्बत की ABC भी नहीं समझती। True.
नर्स भाई, तुम्हारा वजन बहुत अच्छा है। जी अच्छा क्या है, ये तो एक मामूली सा गीत है, सुना सुनाया। नहीं बेटी नहीं, ये बात नहीं, इसमें बड़ी गहराई है। अगर कोई रस लेने वाला हो तो उसके लिए तो भक्ति ही भक्ति है। अच्छा ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। कुछ भी हो, मुझे तो आपकी कथा ही अच्छी लगती है। ये बात है, मुझे तो आज पता चला कि नर्सों को कथा भी अच्छी लगती है और वो भजन भी गाती है। नर्स भाई, तुम्हें देखकर मैंने अपनी राय बिल्कुल ही बदल दी है। भगवान करे मैं सदा आपकी नजरों में ऐसे ही रहूं और आपकी राय कभी न बदले मेरे बारे में। देखो मेरे दिल में जो बात बैठ जाती है, अच्छी या बुरी, वो मरते दम तक नहीं निकलती। न मैं तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल सकता हूँ और न उन संबंधियों के बारे में जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। जी। क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गई? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाने दीजिए, आप कथा बाजिए। नस भाई, नस भाई, नस भाई, चलिए, छोटे मालिक बुला रहे हैं। क्यों? मेरे हाथ की चाय उनके गले से नहीं उतरती ना, इसलिए कहते हैं आप ही के हाथ से पिएंगे। देखिए ना, घर वाले कोई है नहीं, बस यही सोचकर चाय बना दी। अब पिलाने के लिए भी मुझे को कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। आप कथा बाजिए। नहीं नर्स भाई, चली जाओ, नहीं तो वो फिर गुस्सा करेगा। वाह ये भी अच्छी रही, गुस्सा करते हो तो करने दीजिए, मुझे क्या। ऐसा ना कहो नर्स भाई, तुमने इतने दिन अपनी नींद गवाई और दवा दारू देकर उसे बचा लिया, सच पूछो तो वो अब मेरा नहीं तुम्हारा है। जी ऐसा ही समझ लीजिए, दवा दारू तो मैं ही पिलाती हूँ, लेकिन चाय क्या वो रामू के हाथ से नहीं पी सकते? पी सकता है बेटी, पी सकता है, लेकिन इसे एक बार तुम्हारे हाथ से दवाई पीने की आदत पड़ गई हो, उसे कोई अमृत भी पिलाए तो क्या वो पिएगा? जाओ बेटी पिलाया। आप भी खूब कहते हैं। तू कहाँ चला? बाजार मालिक। खैर मैं भी चलता हूँ, कल भी तो पक्की पक्की तरकारियां उठा लाए। चल। से उड़ जाती थी बुलबुल, मेरे हाथ नहीं आती थी बुलबुल। पकड़ी गई रे देखो जकड़ी गई, अब बोल 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 बोल, अब बोल 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 बोल, रानी बोल 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 बोल। पुर से उड़ जाती थी बुलबुल, मेरे हाथ नहीं आती करी गई, अब बोल 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 बोल, रानी बोल 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 बोल। तू बहाने पे बहाना बनाती थी और इस दीवाने को दीवाना बनाती थी, कभी दिल लूट कर कभी यूं ही रूट कर, उठ के मेरे पहलू से हाय चली जाती थी, जाके नहीं आती थी दिल तड़पाती थी। पकड़ी गई रे देखो जकड़ी गई, अब बोल 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 बोल, रानी बोल 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 बोल। पुर से उड़ जाती थी बुलबुल, मेरे हाथ नहीं आती थी बुलबुल। पकड़ी गई रे देखो जकड़ी गई, अब
अब बोल 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 रानी बोल 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 बोल। अरे लड़के ने तो गाना शुरू कर दिया, कहीं फिर दौड़ा तो नहीं पड़ गया है? मैं देखा था तेरी बातों में मैं नहीं आऊंगा, हाथों की हद करी हाथों में लगाऊंगा, नैनों की डोर से बांध लूंगा जोर से, कठपुतली की तरह तुझको नचाऊंगा, गले से लगाऊंगा मन में बसाऊंगा, पकड़ी गई रे देखो जकड़ी गई, अब बोल 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 रानी बोल 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 बोल। और से उड़ जाती थी बुलबुल, मेरे हाथ नहीं आती थी बुलबुल, पकड़ी गई रे देखो जकड़ी गई, अब बोल 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 रानी बोल बोल बोल। नर्स हो? नर्स नहीं तो क्या, तुम्हारी घर वाली हूँ। देखो ये चला क्या अपने पिताजी को दिखाना, मैं तो चली शहर। गई 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 बीवी गई, बुलबुल गई, नर्स गई, बुलबुल फुल नर्स फुल, शादी शादी के बाद उसमें शादी। नर्स भाई, नर्स भाई, नर्स भाई, नर्स भाई, नर्स भाई, नर्स भाई, क्या हुआ नर्स भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? आपने अपनी आंखों से नहीं देखा जो मेरे मुँह से कहलवाना चाहते हैं? रामू मेरा सामान बांध दे, मैं अभी चली जाऊंगी। जल्दी न करो बेटी, जल्दी न करो, तुम तो जानती हो कि वो बीमार है, बीमारी के जोश में कुछ कर बैठा होगा। वाह ये कैसा जोश कि सारा होश ही खो बैठे। नहीं नर्स भाई नहीं, अगर वो होश में होता तो ऐसा करता, मेरे लिए माफ कर दो उसे। अच्छा नाटक खेल रहे हैं आप दोनों। ये नाटक नहीं नर्स भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं तो कम से कम बीमार का मुंह देख कर ही रुक जाओ, मेरा वही सब कुछ है, उसकी जान बचा लो, राम तुम्हारा भला करेंगे, समझ लो, ये हाथ नहीं पाँव छू रहा हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कितनी अभागन हूँ जो आप जैसे बड़ों को करते रही हूँ, हे भगवान मुझे क्षमा करना। देखिए आप उनसे कह दीजिए आगे जो भी करें होश में रह के करें। हाँ कह दूंगा बेटी, कह दूंगा। क्यों मालिक अपनी नर्स भाई बहुत अच्छी है ना? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, दामाद बड़ा ही होशियार निकला। आप कुछ भी कहिए भैया, लेकिन मेरा तो दिल धड़क रहा है, ना जाने इन बच्चों के नाटक का क्या अंजाम हो। घबराइए नहीं, हमें पूरा विश्वास है श्याम हमें निराश नहीं करेगा, वैसे इस सिलसिले में हमारी भी कोशिश जारी है। अच्छा हम चलते हैं, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो हमें आप खबर कर दीजिए। स्वर्ण कुटी में जानकी को न पाकर श्री राम विरह से व्याकुल होकर बोले, सीते काहे यूं तुम रूठी हो, अब काहे यूं तुम रूठी हो, यहां हृदय विरह में तड़प रहा, तुम कहां चैन से बैठी हो, तुम कहां चैन से बैठी हो, तन मन में विरह की अगन लगी, तुम पास हमारे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
देखिए ना, अभी अभी नींद की दवा पिला कर आई हूँ, फिर चिल्लाने लगी। जाने दो नर्स भाई, उसे कुछ मत कहो। अरे बाबा, तू ही जाकर पूछा ना क्या बात है। क्या बताऊ नर्स भाई, अच्छा भला था ये, लेकिन जब से मालूम हुआ है कि इसकी बीवी किसी के साथ भाग गई है, तब से इसका दिमाग ही चल निकला है। आप कुछ भी कहिए, मुझे तो विश्वास नहीं होता कोई भी खानदानी लड़की इस तरह अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती। कैसी खानदानी, कहां की खानदानी, देखा है मैंने उनका सारा खानदान। नर्स भाई, तुम नहीं जानती, वो लोग एक नंबर के धोखेबाज हैं। बस मैं तो यही चाहता हूं कि तुम जैसी किसी अच्छी लड़की से उसकी शादी करा दूं। नर्स भाई को बुलावा आया है, छोटे मालिक को नींद नहीं आती, गाना गाने को बुला रहे हैं। चलिए चलिए। क्या लक्षण है आप ही बताइए, मैं उनके पास बैठ के गाना कैसे गा सकती हूँ? वो कौन है, मैं कौन हूँ? ऐसा न कहो बेटी, वो बीमार है और तुम नर्स हूँ ना, तो नर्स बीमार को दवा देती है या उसके पास बैठकर गाना सुनाती है? ये काम तो घरवाले का है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल झुठला तो नहीं सकता, लेकिन बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। कहिए। अगर तुम्हें एतराज न हो तो कहिए ना। मैं तुम दोनों की शादी किए देता हूँ। शादी? शादी के बाद दूसरी शादी? क्या इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था? अच्छा है आपका नाटक। ये नाटक नहीं बेटी, ये नाटक नहीं। इतनी जल्द क्यों आ गई? नीचे ही रहना था, तुम पर भी कथा सुनने का जुनून सवार हो गया। कैसी बातें करते हो बेटा, पराए घर की लड़कियां कहीं दूसरों के सामने गाना गाती हैं? लो सुनो, मैं कथा सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए, कथा सुनाइए। नर्स नर्स, कथा सुनो। मैं चला शहर, मेरी शादी, शादी के बाद दूसरी शादी, मैं शहर 7 बजे की गाड़ी से चला। सिग्नल डाउन, सिग्नल डाउन। बेटा सुन, कौन चला चला चला। बाबू रेडी, 13 सिग्नल अप। रोको रोको उर्वशी, मेन का आरंभा। कहाँ जा रहे हैं आप आधी रात को? शहर शहर। ए रामू, तुम्हारे छोटे मालिक का पागलपन तो सर चढ़ गया है, जाओ ऊपर ले जाओ। छोटे मालिक ऊपर चलिए, खबरदार छुआ भी तो ना हो जाओगे। डबल डबल रिवॉल्वर, धनाधन धनाधन धनाधन। अजी छोड़िए धनाधन, नर्स भाई ने आर्डर दे दिया है, अब तो ऊपर चलना ही पड़ेगा। गाना सुनवाओगे? सुनवाओगे? हाँ हाँ सुनवाऊंगा, मगर ऊपर तो चलिए। ये सुनवा चुका और आप सुन चुके, चलिए ऊपर चलिए। इंजन रिवर्स, सिग्नल डाउन। सीधे होके चलिए, सीधे होके चलिए। क्यों रे, नर्स भाई की बात इस पर जादू का काम करती है ना? ये भी कोई पूछने की बात है मालिक। जा।
कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा इसके पास ही सोऊंगा। राम 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 राम। अरे राम रघुनंदन श्री राम श्री राम, अरे राम श्री राम श्री राम श्री राम। जाओ बेटी, अब तुम जाकर आराम करो, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक, अगर कोई बात हो तो मुझे बुला लीजिए। अच्छा
जा बेटा, सो जा, आराम से सो जा बेटा। श्री राम, श्री राम राम, श्री राम। शहर से कब आया? आला जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे ये भगवान, मेरा बेटा तो अच्छा हो गया। नर्स भाई, नर्स भाई। पिताजी, ये नर्स भाई कौन है? देखा, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है जी। अच्छा? अरे हाँ, अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। अच्छा, तो यही है ना वो नर्स भाई? हाँ बेटा। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ साथ फिरती थी। हाँ, इसने दिन रात तुम्हारी सेवा की है। अच्छा, नमस्ते जी। जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया नर्स भाई, तुम धन्य हो। तुम्हारी सेवा से आज मेरा बेटा बिल्कुल अच्छा हो गया है। बेटी जाओ जाओ, अब तुम आराम करो जी। अच्छा अच्छा पिताजी, अब आप भी जाइए अपने कमरे में जाकर आराम। अरे बेटा, इस खुशी के अवसर पर नींद किसे आती है? आज तो मैं सारी रात भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन गाऊंगा। इस खुशी में मुझे भी नींद नहीं आएगी मालिक, मैं भी भजन सुनूंगा रात भर। मैं भी सुनूंगी। जरूर जरूर, ये सब तुम्हारी सेवाओं का प्रताप है बेटी। सुनो, श्री राम भरताग्रज, श्री राम श्री राम रण कर कश, श्री राम राम। सुखी रहो, सुखी रहो बेटी। मुझे अफसोस है कि तुम्हें अपने लोगों से दूर इतने दिनों तक यहाँ रोके रखा। जी ऐसी कोई बात नहीं, क्या आप लोग मेरे अपने नहीं हैं? सच पूछिए तो आपको देखने के बाद यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। बहुत खूब, तुम्हें कथा सुनने का चस्का जो पड़ गया, अब तुम चाहती हो मैं भी यही बैठा रहूं तुम्हारे साथ? नहीं, अब मैं ठीक हो गया, मैं चला। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हैं। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो बेटा, ले जाओ बेचारी को, जल्दी से ले जाकर इसके घर वालों के हवाले कर दो। जाओ बेटी, अगर तुम्हें कथा सुनने की इतनी इच्छा है तो मैं वहीं पर आकर सुना दिया करूंगा। पिताजी जरा इधर आइए। बात है बेटा। पिताजी, आखिर आपने अपने संबंधी लोगों के बारे में क्या सोचा है? उनका नाम भी मतलब मेरे सामने, उन लोगों ने हमारे खानदान की इज्जत का नीलाम कर दिया है। लेकिन अगर इसका सबूत मिल जाए कि जो कुछ हमने सुना है वो सिर्फ अफवाह थी तो? वो लाख सबूत दें, मैं मानने को तैयार नहीं। श्याम, अब भूल जाओ उन लोगों को, मैं उनका मुंह भी देखना। अच्छा अच्छा, फिर कभी सोचेंगे। मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने साथियों, हमारा आज का नाटक है शादी के बाद। स्त्री और पुरुष का असली जीवन तो शादी के बाद ही आरंभ होता है। अगर वो एक दूसरे को ना समझें और भगवान ने जो दिया है उससे संतुष्ट ना हो तो उनका जीवन कठिन हो जाए। बस यही संदेश है हमारे इस नाटक शादी के बाद का। ब्रह्म
के साथ मर्दों का गुजारा असंभव है। इसकी चिंता आप मत करो प्रभु, छोड़ दो मुझ पर, मैं देख लूंगा। अच्छा भक्त, जैसे तेरे संजोग, जा अपने कर्मों को हो। चली तो मैं खा के जहर।
कर सकता हूँ, खाली झोले मोतियों से भर सकता हूँ। मैं तूफान को रोक दूँ, मैं बरखा को थाम लूँ, परंतु इस अग्नि को मंद नहीं मैं कर सकता। औरत का मुंह बंद नहीं मैं कर सकता, औरत का मुंह बंद नहीं कर सकता, औरत का मुंह बंद नहीं मैं कर सकता। चिट्ठी है रे? जीजा जी की। पढ़ तो क्या लिखा है? लिखा है, पूज्य माता जी प्रणाम, हम दोनों शहर वापस आ गए हैं, शोभा मजे में है। हाँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो माँ बनने वाली है। सच? मेरी शोभा की गोद भरने वाली है। नानी, तुम नानी बन जाओगी, जल्दी से मिठाई खिलाओ। अरे खिलाओगी रे, जरूर खिलाओगी, पहले जानकी, भाभी, कांता, बुआ, जमुना और सबको खबर तो। ओह माँ, क्या जीजा जी की बात भूल गई? अरे मेरी अकल, मैं तो सचमुच भूल गई रे। अच्छा तू एक काम कर, शोभा को चुपके से यहाँ ले आ, बाकी मैं देख लूंगी। लेकिन माँ जी, जीजा जी दीदी को यहाँ भेजने के लिए राजी नहीं है, उन्होंने तो मुझे वहाँ बुलाया है। हाँ, सावित्री यहाँ होगी तो शोभा का दिल बहलेगा, और जब आप बच्चे को देखना चाहें या उसकी रस्में वगैरह अदा करना चाहें तो मैं उसे शोभा और सावित्री के हाथ भेज दूंगा। मगर एक बात, गांव वाले यही समझें कि बच्चा सावित्री का है, शोभा का नहीं। हे त्रिलोकीनाथ, ये क्या गोरख धंधा है? रखो, लड़का हुआ है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। रामनाथ जी, माता जी को चिट्ठी लिख दीजिए। बहुत अच्छा। तू इस चिट्ठी के जवाब फौरन दे दे कि चौथा महीना लगने से पहले बच्चे को लेकर यहाँ आ जा, मैं बड़ी धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार करूंगी, सारे गांव को दावत दूंगी रे। मगर माँ, हमारे यहाँ आएगा कौन? जब से शोभा गई है गाँव वालों ने हमारा बहिष्कार कर दिया है। अरे तुम ना आए, मैं गरीब मोहताजों को बुलाऊंगी, उन्हें खिलाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ आ रही हूँ, तू लिख तो सही। जी। अजी, यूं तो भूखे कुत्ते की तरह घर घर छांकते फिरते हो, पर जो बात अड़ोसन की माई और पड़ोसन के भाई को मालूम हो गई वो तुमसे छुपी रही। मैं तो शर्म के मारे गड़ी जा रही हूँ। ओहो, आखिर हुआ क्या, कुछ बोलो तो। हुआ मेरा सर, पार्वती की बहू 4 महीने का बच्चा लेकर आ रही है। ओहो, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम्हारे सर में तो भूसा भरा हुआ है। अजी, जब वो 6 महीने पहले यहाँ से गई थी तब तो बच्चा होने के कोई लक्षण नहीं थे। अच्छा? हाँ? तुझे कैसे मालूम हुआ? उनके घर की धोबर ने भांडा फोड़ दिया, अब तो सारे गाँव में यही चर्चा है कि बच्चा बहू का नहीं बेटी का है, जो अपने यार के साथ भाग गई थी। अच्छा, अब देखना मेरे चमत्कार, वकीले बेसरत हूँ तो क्या? जीजा जी आएंगे ना? हाँ माँ, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा। हाँ। लेकिन मेरी राह मत देखो। अच्छा अच्छा, और सुनो, तुम लोग जाओ नहा धो के आराम करो। हाँ, मैं चाय बना के भेजती हूँ। चलो बेटी। बच्चा Thank you.
भले दया आज अपनी आंखों से देख लिया। ये लोग मुझे बदनाम करते ताकि कोई दूसरा मुझे अपनी लड़की ना दे। लेकिन गोविंद राम जी, 10 दिन के अंदर कोई दूसरी लड़की से शादी ना कर ली तो मेरा नाम भी शाम नहीं। मां, ये क्या किया तुमने? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब जीजा जी आएंगे क्या मुंह दिखाएंगे? काकी काकी, जीजा जी तो आ गए। आ गए? हाँ, सारी बातें सुनी उन्होंने। अरे कहाँ है वो? कहाँ है? कितने नीच लोग, एक नाजायज बच्चे को मेरा पोता बताते हैं। अजी ये ही नहीं, अब पार्वती उस नाजायज बच्चे की तरफ से आप पर बंटवारे का मुकदमा भी करने वाली है 2-4 दिन में। करने दो, जीत ले तो देखूं। देखो गोविंद जी, तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो। पैसा जितना भी खर्च होगा मैं दूंगा, लेकिन देखो तुम्हारे गांव में से उन लोगों को एक भी गवाह न मिले। भले मानस, क्यों बेकार पैसे जाया कर रहे हो? मेरी राय मानो तो फूटी खोड़ी खर्च ना होगी और तुम्हारे सारे काम निपटा दूंगा। बोलो क्या है? मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो, फिर मजा ले पार्वती की कचहरी तक चली जा। क्या मैं और तुमसे रिश्ता? क्या औकात है तुम्हारी? कहां तुम और कहां मैं? जाओ जाओ, तुम और पार्वती मिलकर चाहे जो तो कर लो। करेंगे जी, जरूर करेंगे। नहीं तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? पड़े आए औकात वाले। क्या है जी तुम्हारी औकात? 4 पैसे अगर नहीं होते तो कोई कुत्ता भी तुम्हारे दरवाजे पर झांकने को नहीं आता। अरे कौन इज्जतदार आएगा लड़की पर लड़की देने? और अगर कोई आया ना तो मुझसे ज्यादा बेशर्म होगा। मैं तो सोच रहा था कि चलो फोन दबान खोले, और यह है कि चले अपना ढिंढोरा पीटने। गोविंद जी,
क्या है, जल्दी बोलो, मुझे जाना है। चले जाना भैया, चले जाना, जरा बैठो, कुछ खा पी कर जाना। इस घर में खाना खाऊं? इस तरह बिगड़ोगे तो आगे कैसे निभेगी? आखिर हम लोग रिश्ता करने जा रहे हैं। रिश्ता? सच? सच नहीं तो क्या झूठ? तो फिर पहले पुरोहित को बुलवाकर लगन का मुहूर्त निकलवा लो, फिर खाना खाऊंगा। मगर एक बात है, अब हम उस गांव में बारात लेकर नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, हम लड़की को लेकर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ शादी कर देंगे। ओ मास्टर, बता कहाँ है तेरा जीजा जी? अब वो रहेगा या मैं? आज इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। चारो भाई चारो, आखिर बात क्या है? बात क्या है, वो मेरी बसंती से शादी करने जा रहा है। बोल कहाँ है वो, आज मैं उसका खून पी जाऊंगा। जरा शांत बालम, शांत। आखिर तुमसे ये कहा किसने? किसने क्या, मेरी अपनी ने। बता, बता दे सर। हाँ, बापू लगन भी ठीक कर आए हैं, आरती अष्टमी को ब्याह है। सुना, अपनी जोरू को छोड़कर मेरी जोरू से शादी करने चला है, लेकिन इससे पहले ही मैं उसका टिकट कटवा लूंगा। तो क्या तुम दोनों की शादी हो चुकी है? नहीं हुई तो क्या, जब ये पैदा हुई तभी से चढ़ गया था इस पर मेरा नाम, इसकी माँ ने मेरी माँ को वचन दिया था। ये बात है, तब तो तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए, क्यों मंजूर है? हाँ, और बेटी तुम्हें मंजूर है कि नहीं? भूल बोल ना, तुम चुप रहो ना। हाँ भाई, तो देर किस बात की है, कर लो ठाट से। ए बेटी, जा जरा पीले धागे में हल्दी की गांठ बांधकर मंगलसूत्र बना ला, जा। चलो अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और जैसा मैं कहते जाता हूं वैसा कहो। ए शुभ घड़ी, इस शुभ घड़ी हम सूर्य सूर्य चंद्रमा चंद्रमा अग्नि और गुरुजन को, बोलो बेटे, अग्नि और गुरुजन को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं कितने ही कष्ट क्यों न झेलने पड़े हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे चौधरी जी, जरा इसमें इतना सा और जोड़ दीजिए कि अगर इसके माँ बाप इसे डरा धमका कर ले जाना चाहें तो भी ये नहीं जाएगी। हाँ। अगर मेरे माँ और बापू मुझे डरा धमका के जबरदस्ती ले जाना भी चाहे तो भी मैं इसका साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे ला बेटी ला ला ला, लो बेटे ये मंगलसूत्र इसे पहना दो। हाँ, अब जाओ, तुम्हारी शादी हो चुकी। अब अगर कोई हाई कोर्ट भी जाए तो एक्स जिला बोर्ड मेंबर, एक्स पंचायती बोर्ड प्रेसिडेंट, एक्स किसान मजदूर सभा सेक्रेटरी ये कराई शादी रद्द नहीं हो सकती। छबीला बैठे, बैंड बजा। कहा ना, अगर वो डरता है तो सिर्फ पुलिस से। पहन लो वर्दी और चलो मेरे साथ। नहीं नहीं गोविंद जी, डर लगता है, उसने एक हाथ घुमाया तो हम दोनों वही ढेर हो जाएंगे, वो तो होने ही वाला है। सोच लो, तुम दोनों पर चोरी का मुकदमा है, उल्टा करके 6-6 महीने भिजवा दूंगा ससुराल। बोलो क्या बोलते हो? बोले खाक, तुम छोड़ने वाले थोड़े हो। चल भाई पन्ना ले ले वर्दी। क्यों रे, मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा लाया? कौन लाया, मैं तो शादी करके लाया हूँ सासू जी, क्यों बसंती? हाँ माँ, ये देख सत्यानाश तेरा। हल्दी की गांठ बांधने से कहीं शादी होती है? ले आ गई पुलिस। पुलिस? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग तकलीफ बिल्कुल मत उठाओ, दरवाजा मैंने बंद कर दिया है, अब देखता हूँ कि कहाँ जाएगा कोई भागकर। क्यों बे, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ लड़की को बहकाकर झूठ मूठ की शादी कर ली? बता किस बदमाश ने करवाई है, अभी भिजवाता हूँ उसे जेल और साथ तुझे भी। किसने किया? चौधरी जी ने करवाई है। वाह, उस महाशय ने करवाई और इस बेवकूफ ने कर ली, जरा अकल तो देखिए इसकी। जाने दीजिए, आखिर पड़ोसी है आपका, बेचारा ना समझी में कर बैठा है,
जाइए, आप अपनी बेटी को ले जाइए। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी बाबू, मैं नहीं जाऊंगी। रो क्यों रही है? जीजा जी, माँ से जो भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। अब गोविंद जी की लड़की के साथ शादी करके मेरी बहन को इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। अरे वो तो मैंने एक चाल चली थी गोविंद के साथ, फिर भी उस कमबख्त ने पिताजी को बहका ही दिया। तुम लोग घबराओ नहीं, मैंने पिताजी को चिट्ठी लेकर यहाँ बुलाया है ताकि उन्हें समझा बुझा कर राजी कर लूं। क्या हुआ जीजा जी? भगत राम जी गोविंद और उसकी लड़की के साथ आज 3 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। लिखते हैं शादी यही होगी। सुनिए, आप चिंता ना कीजिए, मैं जानती हूँ आप पिताजी को कितना मान देते हैं और वो आपको कितना चाहते हैं। मैं आप दोनों के बीच दीवार बनकर रहना नहीं चाहती, इसलिए मैं चली जाती हूँ। क्या कह रही हो? तुम समझती हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? कभी नहीं। सुनो राजू, अब वही एक रास्ता है इस मुसीबत से निकलने का, चलो तैयार हो जाओ। नहीं, अब पिताजी के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं मुझ में। देखो, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। रामू, तू ये सामान अंदर रख दे, मैं कोर्ट जाकर जल्दी वापस आता हूँ। अरे छोटे मालिक भी आ गए हो? देखते ही छोटे मालिक को फिर से दौरा पड़ गया। हाँ, इस बार तो हालत बहुत खतरनाक है। हे राम, चलो करेज करेज, हिम्मत, योर लॉर्डशिप, करेज योर लॉर्डशिप, हिम्मत योर लॉर्डशिप, करेज करेज, मत रो बेटी, हिम्मत, मत रो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है। अब क्या हाल है डॉक्टर साहब? फूल्स, स्पीक, करेज, हिम्मत, हिम्मत योर लॉर्डशिप, कुछ तो बोले डॉक्टर साहब। करेज, अब क्या बोलेगा? पहला टैंक तो बच गया, मगर ये दूसरा टैंक बड़ा सीरियस, हालत एकदम खराब, क्या होगा? कुछ बोलने को नहीं सकता। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहिए, आप ही निराश हो जाएंगे, तो मेरे बेटे का क्या होगा? मत रो, मत रो, डोंट क्राई बेटा, मत रो, मत रो, मत रो बेटा, मत रो। नहीं नहीं नहीं, मत रो, मत रो बेटा, करेज, सब उल्टा हो गया, हमारा दवाई पे, हमारा मेहनत पे, ये केस हमारे हाथ में नहीं रहा, इसको कुछ बड़ा डॉक्टर बुलाओ, हम जाता। मेरे भी हाथ पांव कांप रहे हैं, मुझे साथ ले चलो। नहीं नहीं भाई, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को छोड़कर मत जाइए। स्टॉप इट,
गए, यमदूत आ गए। नहीं नहीं बेटा, ये यमदूत नहीं है, ये है तुम्हारी सासू जी, ये तुम्हारे ससुर और वो तुम्हारी पत्नी। पत्नी, मेरी पत्नी। बोल, इतने दिन कहाँ रही थी, किसके साथ रही थी? बोल बात करना, नहीं तो मैं तेरा गला घोट दूंगा। बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, छोड़ दो बेटा। ये कौन है? आइए बताता हूं। सत्यमेव जयते। यह है पार्वती का बेटा राजू और यह है उसकी बहन शोभा। धोखा, सिंधाड़े धोखा। अच्छा नाटक खेला है तुमने, अब बोलो क्या बोलती हो? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मैं गोविंद जी को वचन दे चुका हूँ, शाम को उनकी लड़की से शादी करनी ही होगी। मैं क्या बोलूं, जैसे उनकी मर्जी। उसकी मर्जी क्या, तुम अगर बीच में से हट जाओ तो वो जरूर शादी कर लेगा। मैं उनके रास्ते में नहीं आऊंगी। देख तू तो दौलत के लिए अपना धर्म भी बेच सकता है, मगर मैं जब तक सांस है अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। अब आप अपनी जायदाद का चाहे कुछ भी कीजिए। तो तू भी सुन ले, तुझे ये घर भी छोड़ना पड़ेगा जो तूने मेरे पैसों से लिया है। पिताजी अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपका बेटा हूं। ये घर तो क्या, इस घर की एक एक चीज यही छोड़ के चला जाऊंगा। आप रो क्यों रही हो, जो होना था हो गया, चलो सामान बांधो। देख ले इसकी अर्धर्मी। अब बताओ क्या करूं? देखिए इतनी बड़ी जायदाद धर्म खाते में चली जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। एक काम कीजिए, आप ही मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। मैं? जी हाँ, क्या हुआ, आपकी नजर कमजोर हो गई है या आपके दांत हिलने लगे हैं? परमात्मा की दया से मेरी बिटिया की गोद भर गई तो। क्या 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 क्या? क्यों जी, सूरत देखिए अपनी, मकान कहे जाओ जाओ, शमशान कहे आओ आओ। अगर ये बेशरम तुम्हें अपनी बेटी देना भी चाहे तो तुम किस मुंह से शादी कर लोगे? मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं चली अपनी बेटी को लेकर, अब तुम दोनों एक साथ गंगा में डूब मरो मेरी बला से। बालम, बालम। बसंती, अरे रोती क्यों, अब तो मैं आ गया। देखिए ना इस भले मानुष को, अपने बेटे की बात करके अब खुद ही शादी करने चला है मेरी बेटी से। कौन है वो, मैं उसका खून पी जाऊंगा। ठहरो भाई, ठहरो ठहरो ठहरो। क्यों जी, आपको कोई लड़की और नहीं मिली जो इस ब्याहता से शादी करने चले हैं? क्या इसकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, पूछे इनसे।
हो गई भैया हो गई, पर मुझ पापन ने अपने ही हाथों इसका मंगलसूत्र उतार फेंका। मुझे रोका लेना चाहता है। अरे रामू बुला पुलिस को। हाँ भैया बुला ही ला पुलिस को, इन्हें पकड़ कर ले गए तो सबकी बला टल जाएगी। नहीं, 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 नहीं। मुझ पर दया करो भैया, दया करो, अब अकल आ गई है, अब इस बार छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, मेरे ससुरे को मत छोड़ना, नहीं तो मालूम नहीं ये और कितने घर उजाड़ेगा। अरे तू कहां से पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ गया है। चौधरी जी इसकी बात पे मत जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो फिर करो तौबा, अब जाओ उल्टे पांव अपने घर। अच्छा चौधरी जी हाँ अब हम चलते हैं। बालम आए बता। अजी अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तौबा करने से भी अकल नहीं आई। चलो। अरे चलो चलो ना। क्यों भाई, हमने प्रनोट लिख कर दिया तो आपने समझा हम धोखा दे रहे। इंसल्ट विषण स्वरूप इंसल्ट। ये रही आपकी रकम 51,545 रुपए ब्याज के साथ, हमने अपना मकान बेच डाला है। मकान बेच डाला? नहीं 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 चाहिए मुझे ये रुपया, ले जाइए अपना रुपया। मगर राम जी बस। अरे बेटा आओ आओ भाई, ये लो तुम ही संभालो अपना रुपया और बनवा लो बंगला ठार से है। चौधरी जी मैं इतना गिरा हुआ नहीं कि किसी को बेघर करके अपने लिए बंगला बनवाऊं, और फिर आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है शोभा के रूप में, घर दौलत सुख शांति और क्या चाहिए मुझे। ये रुपया मेरे पिताजी को ही मुबारक हो, इनका और हमारा फैसला हो चुका है, मैं ये घर छोड़े जा रहा हूं। रामू चल बीबी जी का सामान उठा लो। चौधरी जी आपने तो जमाना देखा है, कोई ऐसी तरकीब बताइए मेरा सर भी न झुके और आपस में समझौता भी हो जाए। आप नहीं जानते क्या क्या सपने देखे हैं मैंने अपने पोते के। तो एक काम कीजिए, आप अपने पोते को ले लीजिए, वो अपने आप रुक जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी, ऐसा ला बेटी इसे मुझे ला। अरे अरे मुन्ना को ले ले। अरे कहते मैं नहीं दूंगा। क्या कर रहा हूँ? तुम चुप रहो, मैं कहता हूँ ले ले। जानर छम जानर, दादाजी अपने पोते को मांग रहे हैं, इनके पास रहने दो। चाहो तो तुम भी इसके साथ रह जाओ। नहीं चौधरी जी मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे बेटे नाराजी मत करो, आप मुझे माफ कीजिए। श्याम अब फैसला हो चुका, चौधरी जी का ख्याल रखो बेटे, अब फैसला हो चुका। मैं चलो तुम श्याम चलो 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 मैं कहता हूँ। भैया सूझ गई तरकीब। क्या? देखते जाइए अब इन्हीं के जाल में फंसता हूं इन्हें। अरे श्याम तुम्हारे पिताजी चल बसे, हार्ट फेल हो गया। शोभा बेटी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हमने कैसा चला, हार्ट फेल हो गया पिताजी। ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है, आप मुन्ने को दे देते। मुझे क्या पता था कि मैं इस तरह चल बसेंगे, नहीं तो मैं मुन्ने को उसी वक्त दे देता। हम करने जाना चौधरी जी, चौधरी जी गवा रहिएगा। लाभ ने लाभ देख बेटा, ये तेरे माँ बाप बड़े धोखेबाज हैं, तू इनके साथ रहेगा तो तू भी बिगड़ जाएगा। चल बेटा चल, मैं तुझे रावण सुनाऊं। श्री राम श्री राम। अरे वाह, हम तो समझते थे नाटक खेलने में छोटे मालिक ही उस्ताद हैं, मगर बड़े मालिक तो इनसे भी दो हाथ आगे निकले। शरणम भव श्री राम, शरणम भव श्री राम राम, शरणम भव श्री राम राम।